पुलिस की संयुक्त टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 29 जुआरियों को हिरासत में लिया है। खातेगांव, कन्नौद, नेमावर और जियागांव की संयुक्त पुलिस टीम ने ग्राम खारदा में रोहित पवार के फार्म हाउस पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 29 जुआरियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके पास से 3 कार, 6 बाइक, 24 मोबाइल और 1,74,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जुआरियों में हड़कंप मच गया। निमावर थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश के बाद यह कार्रवाई की गई है। जी भैया, कल रात्रि में एक बड़ी कार्रवाई श्रीमान एसडीपी महोदय के निर्देशन में की गई है। पूर्व में भी वरिष्ठ अधिकारियों, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के द्वारा अब जितनी भी कार्रवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। उसी के तारतम्य में एसडीपी साहब ने एक टीम गठित की, जिसमें कन्नौद, खातेगांव और जियागांव और नेमावर थाने की टीम सम्मिलित थी। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम खारदा है, वहाँ पर एक रोहित पवार नामक व्यक्ति है जो अपने फार्म हाउस पर जुए का खेल खिलवा रहा है। उक्त सूचना पर सभी को अवगत कराया गया और तस्दीक हेतु टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। जैसे ही हम लोग पहुँचे ग्राम खारदा फार्म हाउस पर, तो वहाँ पर बाहर कुछ कारें खड़ी दिखी हमको। पुलिस ने चारों ओर से वो फार्म हाउस की घेराबंदी की। वो एक फार्म हाउस मतलब टीम का बना हुआ था, उसके अंदर जाकर देखा तो करीब 29 व्यक्ति बैठकर जुए का खेल खेल रहे थे, जिन्हें घेराबंदी के द्वारा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। उनके नाम पता पूछे, उनसे 52 ताश पत्ते और 1,74,191 राशि जब्त की गई और 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मौके पर कोई जमानतदार नहीं मिला, इसलिए उन्हें हम लोग थाने लाए और जो घटनास्थल पर 3 कारें खड़ी हुई थी, क्रेटा, ट्यूडर और रिनॉल्ट, उनको भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। इसमें अभी जांच जारी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।